क्या नाम है आपका? आसिफ अंसारी। आसिफ कहाँ से आए हो? हम बिहार से आए। बिहार में कौन जगह? बिहार से रोहतास जिला से। अच्छा, रोहतास जिला से आए। किस चीज का पेपर था अभी आपका यहाँ? आज 11th आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर था। अच्छा, पेपर था यानी एंट्रेंस एग्जाम था। इसकी तैयारी करने के लिए आप क्या क्या किए थे? हमको ज्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि हमारा बोर्ड था, क्योंकि बोर्ड भी था और हमारे साइड ज्यादा मतलब की इन्फॉर्मेशन इस सब के बारे में नहीं है। हमको एक महीना का टाइम मिला। हमने सफीक की गाइड आती है उससे प्रिपरेशन किया और एनसीईआरटी थोड़ा मोड़ा कुछ देखा। इंशाल्लाह हो जाएगा। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? पूरे पूरे 100 out of 100 क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है इसमें। अच्छा, तो कितने उसमें से लग रहा है कि इतने सही होंगे इतने तो गलत होंगे? 90 अप्रॉक्स में हमारा लग रहा है कि राइट होगा। चलिए, मैं दुआ करता हूँ कि आपका जो सपना है वो पूरा हो जाए इंशाल्लाह। मैं आपका इकरा खान। इकरा खान कहाँ से आई है? यूपी। यूपी में कौन जिला? सीतापुर। अच्छा, सीतापुर से आई हो। कितना देर लगा था जामिया आने में? 12 घंटे। 12 घंटे का सफर तय करके जामिया को क्यों सेलेक्ट कर रही हो? क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और यहाँ जो एजुकेशन का मॉडरेट वो बहुत ज्यादा अच्छा है। अभी किस चीज का पेपर दे के आ रही हो? 11th आर्ट्स। 11th आर्ट्स का पेपर जो दे के आ रही हो, इसकी तैयारी करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या कन्फ्यूजन जो था वो क्या था? कन्फ्यूजन ये था कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हालांकि मैंने प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। वो कितना हेल्पफुल रहा अभी प्रीवियस ईयर? बहुत हेल्पफुल रहा और पेपर जो था वो बिल्कुल मॉडरेट था, इजी भी नहीं था और टफ भी नहीं था। अच्छा, एनसीईआरटी बहुत सारे लोग बता रहे हैं, तो एनसीईआरटी आप पढ़ी थी? हाँ, हमने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी। अच्छा, जो लोग सीतापुर या यूपी के किसी और जिले से जामिया 11th आर्ट्स का सपना रखते हैं किसी भी कोने, दुनिया के किसी भी कोने से, उनके लिए आपका संदेश क्या होगा? मेरा यही संदेश होगा कि एनसीईआरटी पे पूरा कंसंट्रेट करें और जो और भी बुक्स आती हैं कम्पिटेटिव लेवल की वो भी पढ़ें। चलिए, मैं दुआ करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू। क्या नाम है? सानिया शफीक अहमद। सानिया शफीक अहमद कहाँ से आ रही है? अलीगढ़ यूपी। अलीगढ़ यूपी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ से स्कूलिंग भी अच्छा होता है, आप यहाँ क्यों आई हैं? मैंने सोचा कि अलीगढ़ और जामिया टेक यूनिवर्सिटी में से आती है तो मैंने कहा दोनों में ही ट्राई, दोनों में अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दो में से कोई एक को सिलेक्ट करना है तो किसको करें? तो मैं जामिया यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना चाहूँ। क्या अच्छा लगता है इसमें? मुझे ये यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग से बहुत अच्छी लगती है, इस वजह से मैं इसी को। अभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आ रही, कौन सा वाला पोर्शन करके बड़ा मजा आया? SSC और इंग्लिश करके बहुत मजा आया। SSC और इंग्लिश वाले में कितने क्वेश्चन हुए टोटल मिला के? टोटल मिला के मेरे नहीं, टोटल मतलब कितने क्वेश्चन आए थे SST और इंग्लिश से? कम से कम 50। हाँ, हाफ तो SST और इंग्लिश का ही था। ओके, तो इसके हिसाब से 50 नंबर, 40 से 50 नंबर तो आपको क्लियर होना चाहिए, श्योर है कि आ जाएगा? श्योर आ जाएगा 100%। ओके, तो जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं 11th आर्ट्स का, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा NCERT में से प्रिपेयर करें क्योंकि क्वेश्चन सब NCERT में से ही आते हैं। चलिए, मैं दुआ करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच। जैसा कि अभी मैं बहुत सारे लोगों का स्टूडेंट रिव्यू लिया तो उससे पता चला कि NCERT और जो PYQ है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और साथ ही साथ कंसेप्टम हो या जामिया के ऑफिशियल साइट पर आपका जो सिलेबस दिया गया है उस पर फोकस करना चाहिए। फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट पेपर में।